हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो है गियर सेटअप में क्या क्या जो है एक्सेसरीज लगती है और कैसे बनता है, इसकी फुल साइज बताते हैं। तो साथ में जो कि मैंने कंप्लीट करके रखा है, देखिए, और ये मेरा जो है गियर का रिडिक्शन है, और इसके साथ में मैंने एक पुली बनाई हुई है जो चुंगला पुली जिसको बोलते हैं। तो पुली की पटिया जो मैंने 6 इंच जो है 20 इंच की पटिया मैंने काटी है, जो कि ये 5-5 इंच पे सुराख किया है। और चुंगले की बात अगर करें तो ये मैंने पाइप जो है 2 का पाइप का मैंने चुंगला बनाया है, ये हो गया है। और इसके साथ ये रहा इसका गियर, जो कि गियर ये काम करेगा, और ये रहा इसका नीचे की गियर की साफ्टिन जो चलाएगी। और गियर के साथ में एक पहले जो आता था वो पीतल के बूस में आता था, जो कि अभी आ रहा है, जो बैरिंग में आ रहा है, ये मिल रहा है हमारे तरफ। तो इसको फिट करते हैं, वो भी दिखाते हैं। तो इसको फिट करने के लिए हमने इसमें देखिए 4 सुराख किया हुआ है, और जो हमारी जो गियर की रिडिक्शन शाफ्टिन है इसमें मैंने जो है 4 सुराख किया हुआ है, और इसको कुछ इस तरीके से इसको हम फिट करेंगे, क्योंकि गियर का जो गड्ढा वाला हिस्सा है, ये गड्ढा वाला हिस्सा ये बाहर रहेगा हमारा, कुछ इस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। ये मैंने जो स्प्रिंग इसके अंदर जो इंस्टॉल करेंगे, ये स्प्रिंग जो है 4x18 इंच की स्प्रिंग है, ये 3 नंबर की स्प्रिंग है। इसमें मैंने जो हमारा शटर है ये 13.5 फीट का शटर है, 13.5 फीट शटर में 4 स्प्रिंग डालेंगे, और इसकी हाइट है 9.5 फीट, तो इसमें हम 4 स्प्रिंग डालेंगे। तो चलिए इसको पूरा फटाफट फिट करते हैं। जो पाइप जो है जिसका हम लोग चुंगला बनाएंगे, तो ये 2 इंच का पाइप है, और जहाँ पे इसका जो है जोड़ आता है, यहाँ पे ये देखिए इसका जोड़ है, तो इसको हम जोड़ से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसका चुंगला फिक्स बैठता है, ज़्यादा हमको राउंड करना नहीं पड़ता है। तो देखिए ये जो पाइप है इसमें का पाइप है, और मैंने इसको जोड़ से कटिंग करके इसका चुंगला बनाया है। और ये 2 इंच का पाइप जिसकी हम साफ्टिन बनाएंगे, इसमें ये आसानी के साथ जाता है, और इसमें देखिए प्ले नहीं रहता है, देखिए इसमें जो है इसका प्ले ज़रा से भी प्ले इसमें नहीं है। और इसके चुंगले के लिए मैंने यहाँ पे जो है 20 इंच की पटिया काटी है, जिसमें मैंने 4 सुराख किया हुआ है, ये 1.5 इंच की पटिया है, और ये बीच में इस तरीके से लगेगा। और इसके बाद मैंने ये चादर काटी है, जो कि हैवी गेज में है, 16 गेज की चादर मैंने काटी है, और कोने से कोने मैंने मार्किंग करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से इसकी मार्किंग किया है, देखिए, और इसको भी कटिंग कर देते हैं। और इसको मैंने 6x6 सूत की चौकोरी काटी है, और इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये इस तरीके से दिखेगा, इसमें ज़रा से भी चाल नहीं है, हमारी पुली इस तरीके से चलेगी, और चाल रहेगी तो हमारी पुली जो है गियर स्लिप कर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4 निशान लगाया है, और इस निशान पे मुझे जो है 4 सुराख करना है, जो हमारे चुंगले में टाइट होगा, और इसी पे हमारा गियर चलेगा, या गियर का जो है रिडिक्शन है। तो इसमें हम लोग 4 खट्टा करेंगे टाइट करने के लिए। तो पहले इसमें हम 3 सूत का सुराख मारते हैं, वो भी इससे मारेंगे। तो ये गड्ढा वाला हम हिस्सा बाहर रखते हैं, गियर की और ये वाली स्प्रिंग की दूरी हम लोग रखते हैं 8 इंच दूरी रखेंगे। आप 7 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, तो 7 इतना आ रहा है, तो आप चाहे 7 रखो, चाहे इसकी 8 रखो, चाहे 10 रखो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, 10 भी इतना आ जाएगा। इसकी दूरी हम रखते हैं 8 इंच की। तो फ्रेंड देखिए, मेरा जो है साफ्टिन जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और
इसके बाद जो इसमें जो है ये वाली पटिया किस तरीके से डालते हैं, पूरा मैंने पाइप निकाल लिया है पूरा अंदर से, और इसके बाद हम लोग डालते हैं, फिर दोबारा वापस ये पाइप जो है इसमें हम लोग डाल देंगे। चलो डालो एक दिखाओ, कुछ इस तरीके से हम लोग देखिए जो पुली है ये इस तरीके, अब इसको वेल्ड कर देंगे। ये यहाँ से लगा के वहाँ तक का ये गाला मेरा 34 इंच का गाला आ रहा है, और 34 इंच के गाले के अंदर मैंने 3 पुली और डाली है, रिंग मैंने 3 रिंग डाली है और 1 रिंग मैंने यहाँ पे डाली है, ये मेरा 8 इंची का स्पेस है। और देखिए तो मेरे 4 स्प्रिंग इसमें पड़ी हुई है, और अब ये वाला पाइप इसके अंदर डाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है इसका जो गियर का वरम है इसको वरम बोलते हैं, तो ये वरम हम लोग फिटिंग करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, वरम फिटिंग करने के लिए हमने 2 इंची 4 सूत की जो मोटी हैवी की पटिया है, देखिए ये 2 इंची 4 सूत की है, और इसको मैंने जो है ये जो हमारा वरम है ये वरम से मैंने 2 इंच बड़ी काटी है, और इसके अंदर मैंने 2 सुराख किया हुआ, क्योंकि जो हमारे चंदे में इसको हम चंदे में वेल्डिंग भी कर सकते हैं इसको चारों तरफ से, और इसमें बोल्ट भी लगा सकते हैं ताकि अगर हमारी वेल्डिंग कभी क्रेक हो जाए तो बेल्ट इसको रोके रहेगा हमेशा के लिए। तो ये वरम पटिया पे लगाते हैं, और ये इसकी वायरिंग है इसको, और वरम लगाने से पहले क्या करते हैं, देखिए वरम में इसमें जो है खड्डा नहीं है ये पाइप लगाने के लिए, तो इसके अंदर पहले हम सुराख करके लाते हैं। बता रहे मारो ये स्प्रिंग जो है 4 इंची हम लोगों ने इसमें गैप कर दिया है, 4 स्प्रिंग में 4 इंची गैप है जिसमें फैली है, क्योंकि इसमें जब थ्रेड बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ती है, इसके लिए पहले से इसको 4 इंची बढ़ा दिए हैं। और इसमें ये चारों स्प्रिंग जो है एक हाथ की मैंने डाली है, सारी जो है राइट लेफ्ट साइड की स्प्रिंग इसमें पड़ी हुई है और एक साइड से, और हमने इसमें लास्ट में इसको लॉक किया है, और एक बीच में भी वेल्ड कर देंगे। इसको हम लोग इंस्टॉल कर दिए हैं, और आप देखिए यहाँ पे जो है जो हमारी जो है गियर की शाफ्ट पिन जो है लग फिट कर चुके हैं। और एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं कि जो ये हमारी शाफ्ट पिन है, शाफ्ट पिन से और शाफ्ट पिन और ये इस धुरे में जो 104 लगते हैं, क्योंकि ये अटता नहीं है पलटता नहीं है, तो इसके लिए इसमें 104 लगते हैं। ये जो है ये थ्रेड बन रही है, इसमें 4 थ्रेड डालेंगे हम लोग, तो ये देखिए जो मार्किंग किए थे थ्रेड के लिए मार्किंग करते हैं। हाँ चलो 3 है, वाह